राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रीवा में अब एयरपोर्ट बनने वाला है, साथ ही साथ सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने को भी केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार पत्र लिखने वाली है। और क्या फैसला लिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर एक अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छता ही सेवा है इस अभियान का नाम होगा। 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। तो तमाम फैसले आज मोहन कैबिनेट में लिए गए हैं। रीवा में एयरपोर्ट बनने पर मुहर लगाई गई है, रीवा वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, जो सोयाबीन की जो फसल उगाने वाले किसान हैं, वो लगातार सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने के लिए पत्र लिखने वाली है, बातचीत करने वाली है। और भी कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई गई है। बड़ी बात यह भी है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान चलेगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है। हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे खबर पर विशेष जानकारी के साथ। श्याम जी, ये आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, लगातार बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़े बड़े फैसलों पर जो है मुहर लगेगी। रीवा एयरपोर्ट जो है बनाने पर मुहर लगाई गई है, साथ ही साथ एमएसपी को लेकर भी बात हुई है कि सोयाबीन के फसलों के दामों को बढ़ाने के लिए बात की जाएगी। देखिए भारत, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1978 के बाद पहली बार है कि एक नया एयरपोर्ट जो है सौगात की तरह मिला है मध्य प्रदेश को, और वो रीवा है। ये वाकई में जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से माल आना और जाना होगा, आयात और निर्यात होगा, तो कहीं ना कहीं रीवा और विंध्य की जो स्थिति आर्थिक वो सुधरेगी और प्रदेश को भी फायदा होगा। दूसरा, एमएसपी की अगर बात करें तो लगातार विपक्ष हमलावर था, लगातार कह रहा था कि 6000 रुपये मिलना चाहिए, तो सरकार को इस पर स्टैंड लेना ही था। अन्नदाता की अगर बात नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सोयाबीन को लेकर सरकार ने स्टैंड लिया, एमएसपी उसकी भी निर्धारित की गई। ये भी एक बड़ा डिसीजन है। इसके साथ साथ में मोदी का जन्मदिन आ रहा है, मोदी के जन्मदिन को लेकर स्वच्छता की बात होगी, प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल होना है, और इस अभियान को 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो ये भी एक खास जो है मकसद रखा गया है इस कैबिनेट में कि सभी एक साथ एक इस अभियान को चलाएं और एक स्वर जाए मध्य प्रदेश से कि जो स्वच्छता की बात किसानों की बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच ये भी तो बात है कि कांग्रेस जो है किसान न्याय यात्रा पर निकलने वाली है, तो सोयाबीन के फसलों के एमएसपी बढ़ाने वाले बात पर अगर मुहर लगी है तो थोड़ा काउंटर होगा। लेकिन बीना को जिला बनाने पर भी बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि बीना को जिला बना दिया जा सकता है इस कैबिनेट बैठक में, उसको लेकर कोई खबर? देखिए, क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, तो अब सरकार अगर बीना को जिला घोषित करती है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने खुद तय किया है एक आयोग इस काम को करेगा। आयोग उस परिसीमन को करेगा, उन जिलों को देखेगा, जो संभाग छोटे या बड़े हैं उनको देखेगा। तो ऐसे में परिसीमन आयोग की जब अनुशंसाएँ आएंगी तो कौन से नए जिले बनाए जाए, बीना को बनाया जाए, और भी अलग अलग क्षेत्रों से मांगे उठ रही हैं, तो उस पर जो बाद में निर्णय करेगी सरकार, अभी तो आयोग बना दिया भारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर परिसीमन आयोग का गठन हो गया है, तो आगे अब आयोग ही यह तय करे कि बीना को जिला बनाया जाए या ना बनाया जाए। हालांकि मांग बीना से लगातार उठ रही है।